हेलो फ्रेंड्स, अभी फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, कोई चाशनी बनाने का झंझट नहीं है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आप बिल्कुल बाजार के जैसे बेसन के लड्डू घर पे बना के रेडी कर लेंगे। सारा जो मेजरमेंट है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी बेसन के लड्डू ना बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, सबसे पहले आपको कोई भी कप या कटोरी जो है वो सेट कर लेना है मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना एक कप लिया है, इसे हम घी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल इसमें एक कप घी का यूज़ किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो मैंने जिस कप से घी लिया था उसी कप से मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ 3 कप बेसन। तो सारा जो घी है ना हम एक बार में नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम घी ऐड करेंगे। जब हमें घी की ज़रूरत लगेगी तभी हम घी ऐड करेंगे। देखिए पहले मैंने इसमें 1/2 कप घी ऐड कर दिया था, उसके बाद हम पहले बेसन को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हम बाकी का जो घी है ना वो ऐड करेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा घी जो है ना मैंने बचा लिया है 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, उसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर बेसन को अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स। अगर आपका बेसन अच्छे से नहीं भुना रहेगा ना तो जो लड्डू है ना वो खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून रवा सूजी ऐड करेंगे इसमें, इससे क्या होगा हमारे बेसन के जो लड्डू है ना वो काफ़ी दानेदार बनेंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि बेसन काफ़ी ड्राई लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम बेसन को भूनते जाएंगे जो बेसन है ना वो घी रिलीज़ करता जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको घी को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। अगर स्टार्टिंग में अगर घी कम रहेगा लड्डू में तो आप फ्रेंड्स बाद में घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर घी ज़्यादा हो गया तो बाद में फिर लड्डू बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप घी जो है वो पहले कम ऐड करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेसन को ना भून लिया है, मुझे बेसन को भूनते हुए टोटल 20 से 22 मिनट हो चुके हैं और देखिए इसमें से ना जो घी है ना ये रिलीज़ होने लगा है। तो अभी हम इसमें एक ज़रूरी स्टेप करेंगे जो हलवाई लोग भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पानी, पानी लेना है नॉर्मल पानी लीजिए आप। इस तरीके से पानी के हम इसमें छींटे देंगे, इससे क्या होगा जो बेसन होगा ना वो दानेदार बनेगा और जो लड्डू होंगे ना वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़े से पानी का ना इस तरीके से हम छींटा देंगे इसमें बेसन में, और फिर से हम बेसन को भूनना स्टार्ट करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रहना चाहिए, और जैसे जैसे बेसन को भूनते जाएंगे ना बेसन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो बेसन है ना बिल्कुल पहले के जैसा हो गया है। तो बस आपको इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स बेसन को भूनते हुए मुझे टोटल ना 25 मिनट हो गए थे और जो बेसन है ना वो अच्छे तरीके से भून गया है। अभी हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और बेसन को हम लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी जो बर्तन है ना वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे बेसन को पैन में तो बेसन का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स जो बेसन है ना इसको हमने पूरी तरह से हमें ठंडा कर लेना है, पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें तगार ऐड करेंगे। अगर आप गर्म में ही तगार ऐड कर देंगे या चीनी ऐड कर देंगे तो जो चीनी होगा ना वो पिघल जाएगा और जो लड्डू है ना वो सही से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेसन को ना पूरी तरह से ठंडा कर लिया था और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तगार, और ये तगार मैंने घर पर ही बनाया है। तगार को घर पे कैसे बनाते हैं इसकी जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 कप बेसन लिया था तो मैं यहाँ पर इसमें 3 कप ही तगार ऐड कर रही हूँ। तगार डालने से फ्रेंड्स जो लड्डू का टेस्ट होता है ना वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने टोटल इसमें 3 कप तगार ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं इसको पूरा प्लेन रखूँगी। अब अच्छे से हम यहाँ पे तगार को बेसन में ऐड मिक्स करेंगे। तो देखिए बिल्कुल ठंडा होना चाहिए बेसन, तो आप इसको आराम से इस तरीके से मिक्स कर लें अच्छे से। और आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। देखिए जो तगार है ना अच्छे से मिक्स हो गया, तब हम चेक करेंगे कि लड्डू बन रहे हैं कि नहीं। तो ये ना मुझे थोड़े से ड्राई लग रहे हैं, देखिए जो लड्डू है ना अच्छे से नहीं बन रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो बचा हुआ जो घी था ना वो मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ। तो घी को हल्का सा गरम कर ले, और जो बचा हुआ घी था ना मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है। तो मैंने इसमें टोटल 1 कप घी ऐड किया है फ्रेंड्स, 3 कप बेसन में मैंने 1 कप घी इसमें ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तो देखिए, अगर आपका घी कम है ना, तो आप बाद में इस तरीके से ऊपर से घी ऐड कर सकते हैं, उसे टेस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब हम चलिए लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस लड्डू को बनाने में ना आपको चाशनी वगैरह के का कोई भी झंझट नहीं है, बस आप तगार बनाइए और इस तरीके से तगार को ना आप बेसन में मिक्स कर दीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि जो बेसन है पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें तगार जो है ना वो ऐड करें। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ना हम लड्डू बना लेंगे, और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल बाजार जैसे जो लड्डू होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आया है। तो पहले हम इसको गोल गोल करेंगे, फिर हाथों पर ना इस तरीके से हम सेक करेंगे। इससे क्या होगा ना, लड्डू में देखिए शेप भी आ जाएगा और लड्डू में बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर सभी जो लड्डू है ना उसको बना के मैं रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे जो बेसन के लड्डू हैं ना ये बन के रेडी हो गए हैं। और इसको देख के फ्रेंड्स कोई भी नहीं कहेगा कि हमने ये लड्डू जो है वो घर पे बनाए हैं। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल हलवाइयों के जैसा टेक्सचर है, और ये दिखने में लग रहा है ना कि बिल्कुल हमने बाज़ार से लड्डू खरीद के लेकर के आए हैं। तो मैं आपको ना अंदर से भी तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसा है फ्रेंड्स। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी है। मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दूंगी जिससे आपके जो बेसन के लड्डू है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। पहला तो ये है कि आपको कोई भी कटोरी या कप सेट करना है मेजरमेंट के लिए, और आपको बेसन और घी उसी से मेजरमेंट करना है। अगर फ्रेंड्स आप बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम आप लड्डू बना रहे हैं, तो आप कभी भी सारा जो घी है ना वो एक बार में ना ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करके आप घी ऐड करें बेसन में। और बेसन को फ्रेंड्स आपको हमेशा लो फ्लेम पर ही भूनना है, तभी जो बेसन के लड्डू होंगे ना वो टेस्टी बनेंगे। अगर आप उनको हाई फ्लेम पर भी या मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे ना, तो बेसन अच्छे से नहीं भुनेगा। तो आप बेसन को हमेशा लो फ्लेम पर ही भूनें, और आप कोशिश करें कि आप चीनी की जगह पे तगार ऐड करें लड्डुओं में। इससे लड्डुओं का जो टेस्ट होता है ना काफ़ी अच्छा होता है, और तगार जो है बिल्कुल ठंडा होने के बाद ऐड करें। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये टिप्स पसंद आई हैं और बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।